गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी अक्षत कुमार। एंड कैसे हैं आप लोग? सो गाइस टुडे वी हैव टू एक्सप्लेन यू द लेसन नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास सिक्स। व्हाट द चैप्टर इज? सोर्सेस ऑफ फूड, खाने की सोर्सेस। इट्स ऑफ अवर बुक ऑफ सिक्स क्लास। सो आई विल टीच यू माई जूम इन साइंस। सो अपनी बुक रख के स्टडी करिएगा। सो गाइस, आर्नी चली गई है, आर्नीज वर्ल्ड चली गई है आज। सो इट्स ओके, मतलब कि आज आर्नी वर्ल्ड नहीं है, यहाँ चली गई अपने घर। सो ऑल लिविंग थिंग्स, हमने उससे बात कर दी, मतलब आर्नी से मैंने बात कर दी, तो आर्नी कह रही थी कि मुझे याद आ रही है। सो आर्नी कमेंट करोगा याद आ रही है तो। All living things, plant and animal include human beings, need energy to live and grow. क्या चाहिए होता है हमें लिव एंड ग्रो करने? पहले तो समझ लो, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी जीते जाते इंसान है, प्लांट है, एनिमल है, उन्हें क्या चाहिए होती है भाई? उन्हें चाहिए होती है एनर्जी। क्यों चाहिए होती है? लिव एंड ग्रोथ के लिए, ठीक है, चाहिए होती है एनर्जी। क्यों चाहिए होती है? लिव एंड ग्रोथ के लिए। और किससे मिलती है? फूड से मिलती है। ये बात ये तीन नोट्स में आ सकती है, आप इन तीनों के नोट्स बना सकते हैं। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। किससे आती है? फूड से। क्यों चाहिए होती है? लिव एंड डेवलपमेंट के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, दस फूड एक्ट एज अ फ्यूल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड हेल्प देम टू डू वेरियस डे बाई डे एक्टिविटी। इनफैक्टली सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स नीड फूड। जो फूड है वो लिविंग बींस के लिए एज क्या है? फ्यूल की तरह है सारे लिविंग बींस के लिए, जो हमारा हेल्प करता है वेरियस वर्क में डे बाई डे और हमारी वेरियस एक्टिविटी में। सो जो लिविंग ऑर्गेनिम्स है उन्हें क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। क्यों क्यों चाहिए होता है? फाइव रीजंस दे रखे हैं। तो पहला रीजंस जो है हमारा टू गेट एनर्जी, सेकंड हमारा दे रखा है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड दे रखा है टू रिपेयर एंड मेंटेनिंग ऑफ अवर बॉडी, टू फाइट डिसीज, टू रेगुलिटी ऑफ ऑल बॉडी फंक्शंस, ठीक है। सो अब इधर इन पांच वर्क के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा वेराइटी ऑफ फूड की वेराइटी पूछ रहा है। तो फूड की वेराइटी क्या है? तो हमने अभी तक तो फूड के बारे में पढ़ा कि हमें फूड क्यों चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, कैसे चाहिए होता है, ये सब। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं वैरायटी, जो क्योंकि डिफरेंट इसमें पहले आप पहले तो इसमें लिखा नेम ऑफ योर क्लासमेट एंड फूड आइटम। बेटे सॉरी, मुझे बेटे बोलने की हैबिट है, बट गाइज तो यहाँ पर ये एक्टिविटी भी दे रखी है। तो इस एक्टिविटी में क्या है? व्हाट्स इन दिस एक्टिविटी? तो इस एक्टिविटी में है कि डिसर्व द वैरायटी ऑफ फूड ईटन बाय योर क्लासमेट। क्या आपके क्लासमेट खा रहे हैं एट द लंच टाइम में क्या क्या आपके क्लासमेट खा रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। तो इसमें जो बुक में है ये किसी गर्ल की थी जो इस समय है 12th क्लास पे। तो उस लिख रखा है गिरताची, सुहाली, आदिला। जो गिरताची ये है फर्स्ट नंबर पे, ये LRSC की टॉपर है। तो तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट फूड ईटर, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, जो अलग लोग होते हैं अलग तरह का खाना खाते हैं अपने लाइफ स्टाइल से अपने टेस्ट से अपने एबिलिटी से। अगर एबिलिटी ना हो तो कैसे? तो इस सब से अपना क्या करते हैं? अपना फूड वे खाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ह्यूमन बींस आर ओमनिवोरस, ह्यूमन बींग ओमनिवोरस है, विच मीन्स इसका क्या मीन है? जो
जो दो दोनों तरह का खाना खाते हैं, है ना, जो प्लांट एज वेल एज एनिमल। ऑन दिस बेसिस पीपल क्लासीफाई, इस बेसिस पे ओमनी, मतलब कि इस बेसिस पे क्या है, पीपल क्लासीफाई करे जाते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए। टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा दे रखा है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो इस चैप्टर के नोट्स में लिखिए, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो, आप रॉक से बना लीजिएगा। वेजिटेरियन में लिखिए प्यूपल, वेजिटेरियन क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं, जो प्लांट के साथ मीट प्रोडक्ट भी खाते हैं, ठीक है, वो होते हैं नॉन वेजिटेरियन। डिफरेंट काइंड, इसमें नेक्स्ट है कि आपको अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है, उसमें क्लासीफाई करना है कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आर ईटन इन डिफरेंट रीजन रिलीजन ऑफ इंडिया, लाइक साउथ इंडिया फूड, गुजराती फूड, राजस्थान फूड, पंजाबी फूड, बंगाली फूड ऐसे, ठीक है। तो इसमें के दे रखा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का खाना खाना खाया जाता है, जैसे पंजाब में पंजाब का फूड, राजस्थान में राजस्थान का खाना, बंगाल में बंगाल का। इसमें आपकी थालियाँ भी दे रखी है, साउथ इंडियन फूड, गुजराती फूड, पंजाबी फूड, सब दे रखा है, ठीक बेटे। तो नेक्स्ट है हमारा फूड आइटम डिशेस हैं और इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारा इसमें दे रखा है बॉयल बॉयल राइस है। तो बॉयल राइस में क्या क्या डलता है, इसमें आपका हमारा बना के भी दे रखा है, राइस एंड वाटर डलता है। तो इसमें हमारा वाटर राइस एंड वो सॉरी हाँ बॉयल्ड राइस, राइस एंड वाटर, तो उससे क्या बन जाएगा, हमारा राइस बन जाएगा। ऐसे इसमें चपाती का दे रखा है, तो हमारे इसमें दाल, इडली, खीर एंड ओमलेट का लिखा है, तो आप इसमें कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फूड इज टेकन बाय बोथ फूड इज टेकन बाय द कुक्ड एज वेल एज रो और अनकुक्ड फॉर्म। वी ईट रो फ्रूट्स लाइक एप्पल, पपाया, मैंगो, सम वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट, टमाटो एक्सेट्रा आर ऑल्सो इट। ये हमारे जो कुछ हमारे फूड है, वो हमारे रो भी खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुक्ड करके खाना है, अनकुक्ड भी खाया जा सकता है। जैसे कि इसमें हमारे दे रखा है रेडिश, कैरेट और एज वेल एज मैंगो, पपाया फ्रूट्स, है ना, तो आर ऑल्सो इटन रो, ये रो भी खाए जाते हैं। लेकिन जो हमें कुक्ड करने पड़ते हैं खाने से पहले, वो क्या है, क्या नाम, पल्स, बीट, राइस, ये सब, ठीक है बेटा। हमारा नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑन द बेसिस देयर फूड हैबिट्स। तो हमारा नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, ग्रुपिंग, है ना, हाँ ग्रुपिंग करनी है लिविंग ऑर्गेनिम्स की, जो हमारा बेस है उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारा दे रखा है ऑर्थोबायोटिक, हाइड्रोबायोटिक और एनिमल, जो ऑर्थो जो हाइड्रोट्रॉप जो हाइ नहीं हाइड्रोट्रॉप्स ऑर्थोट्रॉप्स जो हाइड्रोट्रॉप्स है उसके दे टाइप्स दे रखे हैं। तो बेटा ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, सबसे अलग, इसके बाद चैप्टर नोट्स कीवर्ड्स में है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा कीवर्ड्स। अगर ये मैं पूरा चैप्टर की वीडियो सेंड कर, वैसे चैप्टर की वीडियो के इसके कीवर्ड्स सेंड कर दूंगा, है ना, सेंड कर दूंगा। ओके ओके। तो हाँ जी गाइस, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉप्स। हाइड्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स से अपना खाना लेते हैं, जैसे एनिमल एंड क्या वो ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स जैसे कि हार्बीबोरस, कार्निबोरस एंड हमारा एनिमल, जो हमारे एनिमल होते हैं वो हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। उसके थ्री बेसिस होते हैं, क्या होते हैं, हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो बेटे एक बात और लिखिए, ऑटो ऑटोट्रॉप्स के आगे लिखिए प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर एंड हाइड्रोट्रॉप्स आर कंज्यूमर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोरस क्या होता है, जो हमारे फ्लैश सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे लायन हो गया, ठीक है, ईगल हो गया, हर्बीवोरस काउ हो गए, रैबिट हो गया। नेक्स्ट है हमारा
ओमनीवोरस जो एज वेल एज बोथ खाते हो प्लांट के साथ साथ, क्या क्या खाते हो प्लांट के साथ साथ जो हो एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हो, एनिमल एंड डॉग, ठीक है, वो एंड सॉरी एनिमल एंड डॉग नहीं, ह्यूमन एंड डॉग। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है गाइस फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन लेट्स डिस्कस अबाउट फूड चेन। तो फूड चेन होती है जैसे फिगर में दे रखा है, उसमें लिखा है, तो इस फिगर में जैसे कि लिखा है कि